ये हमारी स्टोरी की मेन लीड है जिसका नाम बीबी है, जो कि एक इंटरनेट मॉडल है। अरे वो होते नहीं है ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स उस टाइप में। एंड ये अपनी बहन बैम बैम के साथ बैंकॉक छोड़कर अपनी दादी के घर जा रही है ना चाहते हुए, बिकॉज वहाँ पर फ्लड की प्रॉब्लम आ गई है। बहनों को इनकी मम्मी इनके दादी के घर छोड़ाती है। ये दोनों ही दादी की बहुत लाडली थी और स्टार्टिंग में ये पहले अपनी दादी के पास ही रही हैं, ये बाद में बैंकॉक शिफ्ट हुई थी। इसलिए दादी उन दोनों को देखकर खुश होती है। और यहाँ बैम बैम का क्रेज वो अपने आइडल का क्लिप बोर्ड अपने साथ लाई थी, जिसको वो अपने फ्यूचर हस्बैंड इंट्रोड्यूस करवा रही थी, वो भी अपनी दादी से। और दादी ये देखकर एकदम से शॉक हो जाती है कि शहर जाकर तो लड़कियाँ ओहो। पर बैम बैम जब अपने रूम में आती है अपने आइडल क्लिप को साथ लेकर, तो उसे फील होता है कि उसके रूम में कोई और भी है। और इतने में वो वहाँ पर एक लड़के को मारने लग जाती है, और ये लड़का और कोई नहीं, ये बैम बैम का फ्रेंड होता है जो इसी गाँव से होता है। और वो दादी के घर में आ जाता था उनकी हेल्प करवाने के लिए, बिकॉज दादी इस घर में अकेले रहते थे। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है। इसका नाम बो होता है और ये बहुत भोला सा होता है, पर ये यहाँ पर बैम बैम का रूम साफ करने ही आया होता है। और साथ में ये बैम बैम की थोड़ी बहुत तारीफ कर देता है कि हाँ ये तुम तो सुंदर हो गए हो, बट बैम बैम उसे अपने अमरे से भगा देती है। और बाद में अकेली खुश होने लग जाती है कि हाँ मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। बीबी भी अपनी दादी घर पहुंचकर अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, देन वो अपनी दादी के पास चली जाती है घर के कामों में उनकी हेल्प करवाने के लिए। दादी से पूछती है कि जब मैं यहाँ आ रही थी तो रस्ते में बहुत बड़े बड़े खेत हैं, वो किसके हैं। ये बात कहना ही था कि दादी स्टार्ट हो जाती है कि ये खेत किसी और के नहीं है, मिंट के है, वही जो तेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। सुनकर बीबी हमारी मेन लीड बहुत शॉक हो जाती है, मिंट कोई और नहीं है, इसी स्टोरी का मेन लीड है। यहाँ दादी मिंट की तो नॉन स्टॉप तारीफ करने लग जाती है कि तुम्हारे जाने के बाद मिंट तो इतना बेवकूफ सा इंसान था, वो इतना चेंज हो गया, लाइक इतना मैच्योर हो गया है। काश अगर मैं अपनी जवानी के टाइम पे उस इंसान से मिलती, मैं तो उस पर फिदाई हो जाती, लाइक इतनी फेंक रहे थे ना उस टाइम दादी, पूछो मत। बीबी अपनी दादी को क्लियर कर देती है कि मेरे को मेरे एक्स बॉयफ्रेंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज मेरा बॉयफ्रेंड है वो बहुत ज्यादा सुंदर है और बहुत ज्यादा रिच और केयरिंग है, तो मुझे कोई जरूरत नहीं। पर यहाँ पर दादी तो मिंट की मतलब तारीफों के पुल बांधने से हटे तो ना, और यहाँ पर दादी एकदम से बीबी को बोलती है कि तुम जाकर उसको स्वीट्स डिलीवर कराओ मेरी जगह, बट बीबी मना करती है। और यहाँ दादी अपनी ओवर एक्टिंग स्टार्ट कर देती है कि हाय मेरी पीठ में दर्द, ये वो ब्ला ब्ला, और एट लास्ट बीबी को मानकर जाना ही पड़ता है ना चाहते हुए भी। सारी बीबी इतनी बारिश में कीचड़ होते हुए भी स्वीट्स डिलीवर करने मिंट के पास जाती है, और वहाँ खेत में वो एक वर्कर को काम करते हुए देखती है, और उसको बोलती है कि इसको मिंट को डिलीवर कर देना, बट वो वर्कर इतना अकड़ू कि कुछ बोलता ही नहीं है। और बीबी भी यहाँ अलग दिमाग लगाते हुए एंट्रेंस से एंटर ना कर तारों के थ्रू उस खेत में एंटर करने लग जाती है, जिसकी वजह से उसके बाल तार में फंस जाते हैं। बीबी को रियलाइज हो जाता है कि वो वर्कर और कोई नहीं मिंट ही है, और मिंट उसको डांटने लग जाता है, बट बीबी उसको बोलती है कि भाई डांट मत, मेरे को यहाँ से निकाल। मिंट बीबी की हेल्प करने लग जाता है, बट उनको उस सिचुएशन में देखकर छिपकली, चलो इसका नाम छिपकली कर रही हूँ, वो गलत सोचने लग जाती है, बट मिंट उसको क्लियर करता है। एक्चुअली ये छिपकली बो के पीछे पड़ी हुई है, लाइक ये बो को पसंद करती है। फाइनली बीबी तार से तो निकल जाती है, बट उसके पीठ में स्क्रैच आ जाता है और उसका टॉप भी फट जाता है। हाँ मिंट बीबी को डांट सुनाते सुनाते अपनी शर्ट स्टाइल से खोलता है और एकदम से बीबी के मुंह पे मारता है, लाइक इतना अनरोमेंटिकली। बट बीबी मिंट की बॉडी देखकर और उस पे वो टैटू देखकर एकदम से लाइक वो मिंट में खो जाती है, बिकॉज वो टैटू मिंट ने अभी तक नहीं मिटवाया था, जबकि ये टैटू मिंट ने तब बनवाया था जब वो बीबी के साथ रिलेशनशिप में था। बीबी के दिमाग में और ही सपने चलने लग जाते हैं, लाइक और ही थॉट्स आने लग जाते हैं कि क्या मिंट उसको अभी तक इतना पसंद करता है, उसने अभी तक टैटू क्यों नहीं मिटवाया, ये वो सो ब्ला ब्ला। सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है कि बीबी और मिंट क्लोज आ जाते हैं, और बीबी मिंट की नज़रों में ऐसे खो जाती है कि पूछो मत, बट मिंट सारे मूड का सत्यानाश कर देता है कि क्या हुआ मेरे को देखकर पिघल गई, क्या इतना अच्छा लग रहा हूँ। बीबी एकदम से ऑकवर्ड होते हुए अलग होती है, एंड वो मिंट को काफ़ी थैंकफुल करती है कि उसकी दादी उसकी इतनी तारीफ और इतनी प्रेज कर रहे हैं, एंड वो मिंट को स्वीट्स भी दे देती है। बीबी को अभी तक ये गलत फैमिली रह रही होती है कि शायद मिंट उसको अभी भी बहुत पसंद करता है, इसीलिए वो जानबूझ के मिंट को बोलती है कि तुम मेरे को घर तक ड्रॉप तो कर ही देगा, मेरे को पता है तो चाहता है मेरे को घर तक ड्रॉप करना, मैं तेरे बाहर वेट करती हूँ, तुम मेरे को घर तक ड्रॉप कर दे। और यहाँ मिंट भी लाइक है, मैंने तो बोला भी नहीं कि मैं तेरे को ड्रॉप करने वाला हूँ, खुद चली जा, वो है रास्ता, और एंट्रेंस से आई हो, अगली बार ऐसे तारों के बीच में समत हो के आई हो। बीबी फार्म के बाहर खड़े होकर बड़े स्टाइल से वेट करने लग जाते हैं कि अभी मिंट आएगा और वो उसे घर छोड़ देगा, बट मिंट नहीं आता। और बीबी वो स्कूल टाइम सोचने लग जाती है, स्कूल टाइम में दोनों फ्रेंड, अरे मिंट का फ्रेंड वेव था वो भी बीबी के पीछे था, वो दोनों उसके पीछे पड़े होते थे कि हमारी स्कूटी में बैठ, हम तेरे को छोड़ के आते हैं। दोनों फ्रेंड बीबी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते थे, बिकॉज दोनों उसको बहुत लाइक करते थे, और इस बात पर दोनों फ्रेंड मिंट और वेव में हल्की हुल्की नोकझोंक चली रहती थी। टाइम में मिंट बीबी को इतना पसंद करता था और उसकी इतनी मिन्नतें करता था, इतनी मिन्नतें करता था कि आजा मेरी स्कूटी पे बैठ जा टोइंग टोइंग। एट लास्ट मिंट बीबी को मना लेता है और बीबी मिंट की स्कूटी के पीछे बैठी होती है। यही से इसी दिन से मिंट और बीबी का लव चैप्टर स्टार्ट हुआ था, और बीबी मिंट को नेक्स्ट डे भी बुलाती है उसको पिक करने के लिए। बस स्टोरी फिर प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और बीबी सैड होते हुए वहाँ से अकेले अपने घर को चली जाती है। यहाँ बैम बैम देखती है कि वो घर में अकेली है, इसीलिए वो बो को बुलाती है और उसका पूरा अवतार ही चेंज करवा देती है कि तू काम पे ये कपड़े पहन के जाता है, ये कपड़े पहन के जा। और उन कपड़ों में बो सही में बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। होता ही है ना कि जिस बंदे ने शुरू से बैगी क्लोथ्स पहने हो, आप उसको एकदम से टाइट क्लोथ फिटेड क्लोथ पहनाओ तो उसको अजीब लगेगा, लाइक वही इस टाइम बो के साथ हो रहा होता है। बट बैम बैम उसको काफी चेयर अप करती है कि नहीं यार तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तेरी फोटो क्लिक करती हूँ डोंट वरी। बट इतने में ही स्टोरी में छिपकली की एंट्री होती है जो बो के पीछे पड़ी होती है, और वो उसको देखकर बोलती है ओए ये क्या कपड़े पहने हुए हैं तूने। छिपकली के बिहेवियर से हमें ये बात पता चल जाती है कि छिपकली और बैम बैम में ज्यादा नहीं बनती,
छिपकली बैम बैम को साइड कर कर बो को पकड़ कर अपने पास बैठा कर उसको लोक गीत लाइक जो पुराना टाइम का गीत होता है जो उनकी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है थाईलैंड का वो गाना सुनाने लग जाती है। बैम बैम ना सुनने का एक्ट करती है बट छिपकली का गाना सुनकर उसको अपनी और बो की याद आने लग जाती है कि वो भी यहाँ अपनी दादी के साथ रहती थी तो वो भी बो को पकड़ कर उसको सांस्कृतिक गीत और सांस्कृतिक नृत्य दिखाती थी और वो बेचारा हंसता रहता था। लाइक जैसे कि बोबो को भी स्टार्टिंग से ही बैम बैम की कंपनी बहुत ही अच्छी लगती थी। इन सारी हैप्पी मेमोरीज को याद करते करते बैम बैम इतनी खो जाती है कि वो वहीं पे अपना सांस्कृतिक डांस बैठे बैठे करने लग जाती है और वहाँ पर बो और वो छिपकली आकर उसको जगाते हैं, ओए तू ये क्या कर रही है, और वहाँ से बैम बैम एम्बैरेस होकर एकदम से कट लेती है, लाइक खिसक जाती है। मैं बीबी अपने कमरे में बैठकर यही सोच रही होती है कि मिंट सही में पहले से बहुत बदल चुका है और वैसे वो अपनी मेमोरीज को सोचने लग जाती है कि नेक्स्ट डे मिंट उसको उसके घर से लेने आया था। मैंने अपनी पूरी स्कूटी पिंक करवा दी थी, इवन हेलमेट भी क्यूट से पिंक से रखे थे और अपनी स्कूटी में पिंक कलर की लाइट लगाती थी, लाइक उसने पिंक पिंक कर दिया था बिकॉज पिंक बीबी का फेवरेट कलर था। इसलिए उन्होंने पागलों की तरह उस शाम जोर जोर से रस्ते पे गाते हुए बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए राइड करा था और इन सारी मेमोरीज को याद करते करते बीबी सो गई थी और खुश होकर जब वो नेक्स्ट डे उठती है तो वो अपने सामने किसको देखती है, मिंट को। बीबी को रियलाइज होता है कि मिंट सही में उसके बेड पे, तो बीबी एकदम से चिल्ला उठती है और मिंट पे एकदम से भड़कने लग जाती है कि तू मेरे कमरे के अंदर कैसे आया और कमरे के अंदर आया तो मेरे बेड पे क्या कर रहा है। इनके लिए मिंट के एक्सप्रेशंस देखकर मेरे को भी ऐसा लगा कि वो बीबी को अभी भी पसंद करता होगा, बट मिंट एकदम से हंसते हुए बोलता है कि ज्यादा ना हवा में मत तोड़, तेरी दादी के यहाँ पे मैं प्लांट्स छोड़ने आया था। सैविज रिप्लाई देते हुए बोलता है कि कमरे में मैं दरवाजे से आया हूँ और तेरे कमरे में आने की परमिशन मेरे को तेरी दादी ने दी है। बीबी तो मिंट पर बहुत भड़क रही थी कि वो ऐसे कैसे उसके कमरे में आ गया, बट मिंट उससे अपनी शर्ट मांगता है कल वाली कि मैंने तेरे को कल शर्ट दी थी वो दे। बीबी बोलती है कि हाँ मैंने उसके चिथड़े चिथड़े कर दिए हैं। फिर मिंट ये सुनकर वहाँ से जाने लग जाता है बट बीबी एकदम से मिंट को रोकती है और उसको बोलती है कि तू पहले एक्सप्लेन कर कि तू मेरे कमरे में मेरे बेड पे कर क्या रहा था। नहीं मैं वहाँ बीबी की सिस्टर बैम बैम आती है एंड वो मिंट को रोककर उसके साथ फोटो लेने लग जाती है कि ओह तेरा फेस कितना अच्छा लग रहा है, कितना सेलिब्रिटी टाइप लग रहा है, लाइक ब्ला ब्ला। हाँ बीबी सुबह सुबह उन दोनों पे फिर से भड़क जाते हैं। फिर बीबी अपना ब्रेकफास्ट करने बैठी होती है बट इतने में उसकी दादी आती है तो बीबी अपनी दादी को भी बोलने लग जाती है कि आपको पता है मिंट मेरे कमरे में आया, ऐसा लाइक अच्छा नहीं लगता। उसकी दादी कहती ले इसमें क्या हो गया, पहले वो खिड़कियों से आता था वो दरवाजे से आ रहा है। इसलिए दादी को मिंट और बीबी के रिलेशनशिप का पता था और वो प्रेजेंट टाइम में ये चाहती है कि मिंट और बीबी इकट्ठे हो जाएं, लाइक सैवेज दादी है। यहाँ दादी बीबी को बोलती है कि जाके मिंट के साथ प्लांटिंग में हेल्प करवा, बट मिंट मना करने लग जाती है और यहाँ दादी फिर से अपना ड्रामा स्टार्ट कर जाती है, हाय मेरे घुटने के दर्द, हाय मेरी पीठ के दर्द, और यहाँ पर बीबी को ना चाहते हुए फिर मानना पड़ता है और दादी एकदम मटकते मटकते हुए वहाँ से चली जाती है। बीबी मिंट की प्लांटिंग में हेल्प करवाने चली जाती है और मिंट भी काफी हैरान हो जाता है कि ले बीबी आई है उसकी हेल्प करने। देन बीबी हेल्प करवाने लग जाती है और यहाँ बैम बैम का अलग ही सीन, लाइक खुद तो झूले पे बैठी है और बो को ऑर्डर दी जा रही है कि हाँ गड्ढा खोद, प्लांट को डाल, लाइक प्लांट को अच्छे से लगा। वो बेचारा भूला सा बैम बैम के सारे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था, इवन वो प्लांट में बैम बैम और अपना नाम लिख देता है कि इस प्लांट को हमने साथ में उगाया बट तू तो कुछ कर नहीं रही। बैम बैम बोलती क्या बोला तूने, और वो एकदम से नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ बीबी थोड़ा सा काम करती, ओहो कितनी धूप है, कितना पसीना पड़ रहा है, लाइक मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। मिंट भी जानबूझ के बीबी से पंगे लेने के लिए उसको गंदा हैंकी देता है, ये कहते हैं कि तेरे फेस पे कुछ लगा है उसको साफ कर, और बीबी उसको साफ करने लग जाती है तो सारी डर्ट उसके फेस पे लग जाती है और यहाँ मिंट हंसने लग जाता है। बीबी को भी समझ आ जाता है कि रुक तेरा मुंह खराब करती हूँ, एंड वो दोनों भागने लग जाते हैं। इसी बीच बीबी का पहर बहुत बुरा ट्विस्ट होता है जिसकी वजह से वो एकदम अपने फेस के बल गिरती है और उसका फेस सारा गंदा हो जाता है और एकदम से मिंट पे भड़क जाती है। हो गई खुशी तेरे को, मिल गई शांति तेरे को, मैं एक नेट मॉडल हूँ, मेरे को सारे पैसे मेरे फेस के अकॉर्डिंग मेरे को मिलते हैं, अगर मेरे फेस के साथ कुछ हो जाएगा फ्यूचर में तो तू मेरी जिम्मेदारी उठाएगा, कौन उठाएगा। अब मिंट ने तो ये सब कुछ हंसी मजाक में स्टार्ट करा था बट स्टिल उसे बीबी के लिए बहुत बुरा फील होता है एंड वो उसको सॉरी भी बोलता है एंड वो अपने हैंकी से बीबी का फेस क्लीन करने लग जाता है उसका सारा गुस्सा सहते हुए। जब वो देखता है कि बीबी से उठा नहीं जा रहा तो वो बीबी के ना कहने पर भी उसको अपनी गोद में कैरी करके ले जाता है दादी जी के पास। डांडने की बजाय उल्टा बीबी को ही डांडने लग जाती है कि मेरे को पता है गलती इसी की रही होगी क्योंकि किसी को गुस्सा पहले आता है, और मिंट के बोलने पर भी की गलती उसकी है वो फिर भी बीबी को ही डांटे जा रहे थे। बीबी का गुस्सा देखकर दादी उसके पैर में आइस पैक जोर जोर से लगाती है जिससे बीबी को दर्द होती है और दादी अच्छा तेरे को मेरे पे भी गुस्सा निकालना है, निकाल के बता कैसे निकालेगी देखूं मैं, और ये सब कुछ देखकर मिंट की हंसी नहीं रुक रही थी। में बैम बैम और वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ दादी को मिंट से पता लगता है कि वो उन एरियाज में जाके उन बंदों की हेल्प कर रहा है जहाँ पर बाढ़ बहुत बुरी तरीके से आई है और जैसे गांव थोड़े से उजड़ वगैरह गए हैं। दी बीबी को भी बोलते हैं कि अपने पैसों से हेल्प मत कर, खुद जाके एज अ पर्सन उन एरियाज में जाकर हेल्प कर। एज यूजुअल बीबी को ना चाहते हुए भी अपनी दादी की बात सुननी पड़ती है। वो मिंट वेव के साथ बैठे होते हैं, एक्चुअली वेव पुलिस में हो गया होता है सिविल सर्विसेज में, एंड जब उसे भी पता चलता है कि हाँ बीबी वापस आ गई है तो इस बारे में वो मिंट से पूछता है एंड मिंट भी उसको थोड़ा थोड़ा बता देता है कि हाँ आई है, एंड वो वेव को क्लियर कर देता है कि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। मिंट बेब को पूछता है कि तू उसे अभी भी पसंद करता है और बेब ये बात सुनकर मुस्कुराता हुआ बोलता है कि मुझे पता नहीं है, बट उसकी स्माइल से ये लगता है कि वो बीबी को अभी भी पसंद करता है, क्या पता वो उसे अभी भी पाने के लिए कुछ हथकंडे अपनाए।
यहाँ बीबी अलग ही टेंशन में होती है कि कल अगर वो बाई चांस मिंट के फादर और मदर से मिल गई तो वो क्या ही उनको मतलब कैसे फेस करेगी, क्योंकि वो उनके बेटे को छोड़ के चली गई थी। बट बैम बैम मिंट के सिस उसको चिल करने को बोलते हैं कि चिल करो, वो आपको इतना पसंद करते थे, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, तो इतना मतलब टेंशन फ्री रहो। बीबी की लेट उठने की वजह से सभी लेट हो जाते हैं, बट वो स्टिल उस जगह पहुंच जाता है जहां पर वॉलंटियर की जरूरत थी। इस पर जैसे ही बीबी उतरती है तो वो आग बबूला हो जाती है, बिकॉज उसके फेस का वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था, लगा तो वो डोनेशन के लिए था, बट उसकी एक गंदी सी पिक वहाँ पे लगी हुई थी, जिसको देखकर बीबी एकदम से गुस्सा हो जाती है। और ये काम किसी और का नहीं, उसकी बहन बैम बैम का होता है। बैम बैम जब देखती है कि उसकी बहन इस टाइम बहुत ही क्रोधित टाइप है, तो वहाँ से कट लेती है, लाइक खिसक जाती है। को लेकर जानबूझकर मिंट भी बीबी को तंग करता है। देन बाद में सभी मिंट की मम्मा से मिलते हैं, और मिंट की मम्मा बीबी के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करते हैं, लाइक उसको बहुत प्यार से उसको हग करते हैं, पूछते हैं। तो बातों में मिंट की मम्मा मिंट की बुराई करने लग जाते हैं। एक्चुअली मिंट ने अपनी मम्मा को ये बोला होता है कि मैंने बीबी पर टू टाइमिंग की, मैंने बीबी के साथ फ्रेंडशिप होते होते किसी और लड़की के साथ भी फ्रेंडशिप कर ली, इसलिए बीबी ने मेरे को छोड़ दिया, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। और बीबी भी काफ़ी मतलब वो हो जाती है कि मिंट ने सारी बात अपने पे ले ली, उस पर कोई बात आने नहीं दी। इस वजह से वो मिंट को रोकती है और उसको बोलती है कि लाइक तूने ऐसा क्यों किया, तूने सारी बात अपने पे क्यों ले ली, सच क्यों नहीं बताया। जिस पर मिंट बोलता है कि तो क्या फर्क पड़ता है, कब की खत्म हो चुकी है और तुम भी इस टाइम चिल करो। बट बीबी बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारी माँ तुमसे नफरत करती होगी इस बात को लेकर। बट मिंट बोलता है मुझसे नफरत करेगी चलेगा, बट तुमसे नहीं करती ना, बहुत है। बोलती है कि नहीं यार, ये फिर भी गलत है, मैं अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी, मैं जाके बता दूंगी। बट उसको मिंट बोलता है किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी, अब 4 साल बाद तेरे को ये बातें याद आई है, 4 साल तक तूने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, छोड़ दे अब इस बात को, जाने दे। ये बात सुनकर बीबी का मुंह थोड़ा रोने वाला हो जाता है और मिंट उसको फिर से टीज करने लग जाता है। और यहाँ पर की तरह बैम बैम सिर्फ अपने फोन पे लगी होती है और बेचारा बोई वहाँ पर सारा वॉलेंटियर वर्क कर रहा होता है। बट इतने में वहाँ पर छिपकली की एंट्री होती है, जो ऑब्वियसली को रेस्ट करने का बोलकर उसका काम खुद करने लग जाती है, जो बैम बैम से कहाँ देखा जाता है। बस इसी बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई होने लग जाती है और वो उनको रोकने लग जाता है, एंड वो उन दोनों पर चिल्लाता भी है कि बस बहुत हुआ। बट स्टिल वो दोनों एकदम बिल्लियों की तरह लड़ रही होती हैं। भोला सा लाचार सा हमारा बो, चाहकर भी उन दो बिल्लियों की लड़ाई नहीं रोक सकता। बीबी के दिमाग में यही चल रहा होता है कि शायद मिंट उसे अभी भी बहुत पसंद करता है, इसलिए उसने अपनी मम्मी के सामने भी उसको बुरा नहीं बनने दिया। जबकि इन रियलिटी उनकी ब्रेकअप की स्टोरी क्या है ये अभी बताई तो नहीं गई है, बट इतना बताया गया है कि बीबी ने ही मिंट को छोड़ा था। इसमें स्टोरी में एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है, इसका नामकरण मैं कॉकरोच कर रही हूँ। तो एक कॉकरोच आकर बी से मतलब बीबी से काफ़ी मीठी मीठी बातें करती है, देन एकदम से मिंट की क्लोज जाने लग जाती है, उसके पसीने को वाइप करने लग जाती है, और जिसको देखकर बीबी एकदम से जल भुन जाती है। एक्चुअली जब पास्ट में मिंट और बीबी जब रिलेशनशिप में थे तब वो दोनों जोर जोर से पागलों की तरह गाना गा रहे थे, तो वो दोनों इस कॉकरोच के घर के बाहर थे और कॉकरोच एकदम से अपने पापा की ना राइफल उठा के ले आते हैं और उन दोनों को बोलती है कि शांति से यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम दोनों की खोपड़ी उड़ा दूंगी। बट मिंट और बीबी कॉकरोच की बातों को सीरियसली नहीं लेते, एंड एट लास्ट कॉकरोच उनको गोली से मार भी नहीं सकती थी, तो वो उन दोनों को ना कर्स करने लग जाती है कि तुम अगर अपनी लाइफ में कभी भी मिल नहीं पाओगे, ब्ला ब्ला ब्ला, लाइक वो उन दोनों की काफ़ी बेइज्जती करती है और दोनों वहाँ से हंसते हंसते चले जाते हैं। और उन दोनों को इस टाइम पे इतना क्लोज देखकर बीबी को गुस्सा आ रहा होता है मिंट पर भी, क्या वो भूल गया कि पास में उसने इतनी बेइज्जती करी थी। और उसको ये लग रहा होता है कि अच्छा होगा अगर ये दोनों कपल ना हो, और उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि मैं कॉकरोच को इस मिंट से दूर करके रहूंगी। इतने में स्टोरी में एक न्यू बंदे की एंट्री होती है और इसका नामकरण मैं आलू कर रही हूँ। ये आलू और कोई नहीं बीबी और मिंट के स्कूल का ही फ्रेंड होता है। आलू बीबी को वहाँ देखकर काफ़ी खुश होता है, इन दोनों साइड में जाके बातें करने लग जाते हैं। और यहाँ आलू बीबी को वही डायलॉग मारता है, ओहो इंटरनेट स्टार बन गई है, बड़े लोग, मैंने तो तुमको रिक्वेस्ट भी करी थी, तुमने तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करी। हाँ बीबी आलू से पूछ ही लेती है कि क्या वो कॉकरोच मिंट की गर्लफ्रेंड तो नहीं है, जिसको सुनकर एकदम से आलू हंसने लग जाता है और बीबी को बोलता है तो जेलस हो रही है। पहली बात बता दूँ कि हाँ मिंट की तेरे जाने के बाद कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं रही, बट हाँ वो कॉकरोच अगर देखा जाए तो इस टाइम सबसे क्लोज है, मतलब मिंट के क्लोज है और लड़कियों के मुकाबले। और आलू भी बीबी की दादी की तरह यही चाह रहा होता है कि मिंट और बीबी फिर से क्लोज हो जाएं, लाइक फिर से एक साथ हो जाएं। बट बीबी आलू को क्लियर कर देती है कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, और बीबी को आलू के थ्रू पता चलता है कि मिंट के फादर की डेथ तो कब की हो चुकी है, और ये बात उसे किसी ने नहीं बताई, इवन उसकी दादी ने भी उसको ये बात नहीं बताई। तो ये बात जानकर बीबी को लाइक काफ़ी बुरा फील होता है मिंट के लिए। बट यहाँ पर आलू ना बीबी को छेड़ता हुआ वहाँ से भाग जाता है। देखते देखते अंधेरा हो जाता है और बीबी को कैंप में आने के लिए रास्ता पता नहीं चल रहा होता, और इतने में वो कोइंसिडेंसली से टकरा जाती है, अरे वही उसके स्कूल वाला लवर जो उसके पीछे पड़ा हुआ था, और वेव यहाँ पर बीबी को ढूंढने ही आया था। अब वेव के फेस में तो अलग ही ब्राइट स्माइल आ जाती है कि उसने बीबी को फेस टू फेस देखा इतने टाइम के बाद कि वो कब से उसको इंस्टाग्राम पे देखता हुआ आ रहा था। फिर दोनों आपस में बातें करते करते कैंप तक पहुंच जाते हैं, और जैसे वो कैंप पे पहुंचते हैं वैसे मिंट वहां पर आ जाता है और आते बीबी को डांटने लग जाते हैं कि ओए तू कहां थी इतनी देर से, दी बैम बैम सभी घर जा चुके हैं और तू मेरे को दिखी नहीं, इसीलिए मैं तेरे को ढूंढने के लिए वापस आया कि चल वापस चलते हैं। और जब बेव के थ्रू उसको पता चलता है बीबी रास्ता भटक गई थी, इस बात के लिए भी मिंट बीबी को ही डांटने लग जाता है, और देन वो उसको बोलता है कि चल गाड़ी में बैठ तेरे को घर तक छोड़ दूँ। पर यहाँ पर बेव बोलते हैं कि नहीं तू चला जा, इतना कष्ट मत कर, मैं बीबी को छोड़ के आ जाऊँगा।
अरे दोनों में बचपन वाला टेंशन जाग जाता है कि बीवी को कौन लेके जाएगा, और लास्ट में ये डिसाइड होता है कि बीवी को डिसाइड करने देते हैं कि वो किसके साथ जाएगी। और यहाँ पर तो बीवी को वही वाली फीलिंग आने लग जाती है जो उसको स्कूल टाइम में आती थी, कि दोनों उसके लिए लड़ रहे थे और वो खुद डिसाइड करेगी कि वो किसके साथ जाएगी। इस सिचुएशन को देखकर बीबी इतनी खुश थी, इतना वीआईपी फील कर रही थी कि पूछो मत। बैंक, तो आपको भी जानना है कि बीबी किसके साथ जाएगी, मिंट के साथ या वेव के साथ? अगर जानना है तो जल्दी से जल्दी 50 स्माइल्स का टारगेट रख रही हूँ, कंप्लीट कर दो, वैसे ही नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। ओके, बाय बाय।